नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भोडा जैन समाज के भामाशाह पारस मलजी सालेचा द्वारा चिकित्सालय कर्मियों को साफा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। आहोर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भोडा के डॉक्टर शैलेंद्र सिंह देवड़ा व चिकित्सा कर्मियों का जैन समाज के भामाशाह पारस मलजी सालेचा हीराचंद भैरूमल सिंघनी वाले द्वारा साफा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कोरोना वायरस महामारी के दौरान चिकित्सा संबंधी कार्यों को पूरा करने में सक्षम व चिकित्सा टीम ने पूरा पूरा ध्यान व चिकित्सालय में उपचार के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केंद्र में समय समय पर कार्य किया गया। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी जैसी गंभीर बीमारी के समय भी स्वास्थ्य केंद्र पर सामान्य बीमारी से ग्रस्त मरीजों ओपीडी प्रतिदिन सुबह से शाम तक 300 से 500 तक होती है और इस तरह आसपास से आने वाले मरीजों का उपचार किया जाता। और आसपास के गांवों में जैसे बिजली, रामा, बाला, गाड़ा, बरवा जैसे गांवों में चिकित्सा टीम के द्वारा कोविड-19 के टीकाकरण अभियान के तहत नियमित रूप से गांवों में जाकर कोरोना की जांच कर गांव के लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण किया जाता है। सन 97 में यहाँ आया, मेरे मन में मतलब कहें कि कई तमन्नाएं थी कि उन्हें वो पूरी हो। गांव के सहयोग से उस वक्त मिली स्कूल से मतलब कर्मबद्ध होकर के सेकेंडरी स्कूल बनी थी और यहाँ हॉस्पिटल की कमी थी, बोर्ड की भी कमी थी और गांव वालों के सहयोग से अथक प्रयास से स्कूल में मतलब कहें सीनियर सेकेंडरी गई, बोर्ड की व्यवस्था गई, सब कुछ गए। उनके बाद में फिर सबसे मोटी समस्या हॉस्पिटल की यहाँ खड़ती थी। सभी गांव वालों को चर्चा करके कहा, उस वक्त माधव सिंह जी दीवान अपने मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बार बताया। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें वीएमआर भारत टीवी।